मेरी वीडियो झटपट हासिल करने के लिए आप मेरा चैनल ईटॉन सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। हाय फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं सलमान और एक बार फिर अपने चैनल ईटॉन में आपके लिए लेके आया हूं एक ज़बरदस्त सी रेसिपी जो कि सर्दियों में, गर्मियों में, सारे मौसमों में खाई जाती है। इसका नाम है अरबिक लेंटल सूप। तो आप इसको देखने से पहले मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें मेरी वीडियोज़ को और शेयर भी कीजिए ताकि आपको सबसे पहले ही मेरी वीडियोज़ को पा सकें और इसमें आप लुत्फानंदोज़ हो सकें। तो चलता हूँ अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जैसा कि नाम से जाहिर है, अरबिक लेंटल सूप। तो अरबिक लेंटल सूप का क्या मतलब है? अरबिक नाम इसके साथ इसलिए लगा है कि ये अरब की डिश है और ये लबनान, सीरिया, यूएई, सऊदी अरब, यमन, इन जगहों पे ये बहुत फेमस है और यहीं से ये इसका ओरिजिन जो है वो निकलता है। तो अगर आप इसको, अरबिक डिशेस को ट्राई करना चाहते हैं तो उसमें वन ऑफ़ द बेस्ट डिशेस में ये आएगी। इसके अलावा भी मेरी रेसिपीज़ हैं, बहुत जल्दी आएंगी अरबिक में, क्योंकि मैं रहता भी यूएई में हूँ, यहाँ से काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ इन डिशेस से। तो इस वजह से इन डिशेस को मैं वन बाय वन आपके लिए लेके आता रहूँगा और आप इनको ज़रूर टेस्ट कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और इस डिश की ख़ास बात यह है कि ये बच्चों के लिए जो है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैं आपको दिखाए हैं या दिखाऊंगा वो सारे इंग्रेडिएंट्स वही हैं जो बहुत ही हेल्दी हैं और आप किसी भी तरीके के लोग, किसी भी एज के लोग इसको ले सकते हैं, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है और ना इसमें कोई क्रीम्स व्रीम्स कुछ ऐसी चीज़ें डलती हैं जिससे कोई अनहेल्दी फैक्टर्स हों। तो सारे इसमें हेल्दी चीज़ें होती हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका टेस्ट भी बहुत ही डिफरेंट होता है। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे स्टाइल से बनाइएगा। चलिए अब इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। हमारे अरबिक लेंटल सूप के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें सबसे पहले लेंटल्स हैं, यानी कि मसूर की दाल। ये बगैर भीगी हुई ये सूप नहीं होगी और ये इसी फॉर्म में आधा कप हमने लेनी है। उसके बाद आपने एक छोटा आलू जो है, पोटैटो, उसको छील के मोटा मोटा काट लेना है और एक आपने कैरेट जो है वो भी आपने मोटी मोटी काट लेनी है। उसके बाद एक प्याज छील के आपने ये भी मोटी मोटी काट लेनी है और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है ये है ऑलिव ऑयल। ये 2 टेबल स्पून या 2.5 टेबल स्पून आपने लेना है जो इसके टेस्ट को असल देता है टेस्ट अरबिक की तरह, अरबिक लेंटिल सूप का। तो इसलिए इसमें और कोई कुकिंग ऑयल आप नहीं लीजिएगा। उसके बाद हमने एक ग्रीन चिली ली है, इसके हमने बीज निकाल के इसको भी काट लिया है। और उसके बाद हमने ये गरम मसाला लिया है 1/2 टीस्पून। उसके बाद हमने 2 to 3 pinches जो हैं वो ब्लैक पेपर ली है। उसके बाद हमने 1/2 टेबल स्पून के करीब ये फ्रेश कोरिएंडर लिया है, धनिया, आप पार्सले भी ले सकते हैं धनिया, ये आपके ऑप्शन के ऊपर है। 2 pinches हमने ये हल्दी, टर्मरिक पाउडर लिया है। 1/2 टीस्पून ही हमने ज़ीरा पाउडर लिया है। 1/2 टीस्पून हमने सॉल्ट लिया है, पिंक सॉल्ट। 1/2 टीस्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। आप अगर स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इसकी जगह नॉर्मल चिली भी ले सकते हैं, लेकिन उससे सूप बहुत स्पाइसी हो जाएगा जो इसका असर टेस्ट ख़राब कर देगा। तो अगर आपने वो मिर्च लेनी है तो आप बहुत कम क्वांटिटी में लीजिएगा ताकि सूप ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। उसके बाद आपने ये क्लोव्स लेने हैं गार्लिक के, 2 to 3 क्लोव्स ले सकते हैं आप, इनको भी हमने मोटा मोटा छील के काट लिया है। अब हम इसकी प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। तो हमने बना लिया है अपना सेटअप पूरा यहाँ प्रिपरेशन का और अरब लेंटिल सूप जो नहायत ही आसान है, उसको बनाना बहुत ही आसान है और टेस्ट और हेल्थ में उसके फ़ायदे लातादाद हैं। उसकी जो रेसिपी हम डाल रहे हैं इंग्रेडिएंट्स के बाद वो देखिए आप, कि सबसे पहले हमने ये एक पैन में हमने ये 2 कप पानी और ये 2.5 कप पानी, मैंने आपको दिखाने के लिए कि हमने कितना पानी लिया है, बहुत ज़रूरी है। ये 1 कप यानी कि 250 ml है और ये 250 ml के 2 और 1/2 यानी कि 600 या 650 ml आप इसमें पानी ले सकते हैं। पानी का रेशो रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि सूप फिर बहुत पतला या बहुत थिक हो जाता है। ठीक है, बाद में मैं आपको स्टेज बताऊंगा जिस स्टेज पे आप पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं, फिलहाल आपको इतना पानी लेके स्टार्ट करना है। अब हमने मीडियम फ्लेम इस पर जो है रख दिया है पानी और इसी के साथ इसमें सारी चीज़ें हम एक साथ ऐड कर देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे ढक के 25 to 30 minutes इसको बनाएंगे टिल ये जो हमारे पोटैटो हैं ये टेंडर हो जाते हैं और कैरेट टेंडर हो जाती है। फिर हम आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताएंगे।
अब देखिए हमारे एक मिनट हो गया है तकरीबन ये मीडियम फ्लेम पे, और अब हम इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम अपनी लेंटिल जो हमने ये रखी थी मेन इंग्रेडिएंट ये डाल रहे हैं, ये कैरेट इसमें गई, ये पोटैटो इसमें गए, ये अनियन प्याज, उसके बाद हमारा ये फ्रेश जो है कोरिएंडर धनिया, उसके बाद हमारा ये ग्रीन चिली, ये हमारे गार्लिक क्लोव्स, ये हमारा ऑलिव ऑयल, ये हमारी कश्मीरी मिर्च, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, हल्दी और सॉल्ट। अब हम इसको ढक के 25 टू 30 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए जी, ये बिल्कुल हो चुके हैं हमारे 30 मिनट से 35 मिनट्स, और ये आलू बिल्कुल बॉयल हो गए हैं, और पानी की आप देख लीजिए क्या लेवल है इस वक्त। और ये आपको इस तरह से जब ये चीज़ें नज़र आएंगी तो आपको इस वक्त इसको जो है बंद कर देना है, और बंद करने के बाद ये मैं बंद कर रहा हूँ, और इसको ठंडा करके इस पूरे मटेरियल को हमने ब्लेंड कर लेना है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये बड़ी प्यारी सी इसमें से खुशबू आ रही है, इस धुएँ के साथ इतनी प्यारा अरोमा आ रहा है खाने का कि मैं आपको क्या बताऊँ। जब आप खाएँगे तो ज़रूर आप पसंद कीजिएगा, दे बताइएगा मुझे। और ये इस स्टेज पे हम इसको बंद करके थोड़ी देर ठंडा करते हैं और फिर ब्लेंड करके आपको बताते हैं। अच्छा जी, ये हमने अब ब्लेंड कर लेना है उस मटेरियल को जो अभी आपने आपको चेक कराया था, और ठंडा हो गया था ये मटेरियल। अब हम इसको ब्लेंड कर रहे हैं, और ब्लेंड होने के बाद आपको दिखाते हैं कि ये कैसा लगेगा। अच्छा जी, ये हमारा जो पेस्ट है ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब आप देख सकते हैं सूप हमारा बिल्कुल जो है वो थिक कंडीशन में आ गया है, ये इस कंडीशन में। और इसको अब हम चूल्हा हमने मीडियम फ्लेम पे दोबारा एक पॉट लेके साफ सा और इसमें हमने डाल देना है। और इस स्टेज पे आप इसमें चेक कर सकते हैं कि इसमें नमक और मिर्चें या कोई चीज़ भी कम लग रही है तो आप इसमें डाल सकते हैं। और इन एडिशन मैंने आपको पहले कहा था कि हम पानी बताएँगे कि अब आपको कब डालना है, और तो देखें ये काफ़ी थिक है, तो अब आप अपने हिसाब से आपने जितना इसको पतला रखना है उस हिसाब से डालें। अब आई थिंक मुझे तकरीबन लग रहा है मुझे इसकी कंसिस्टेंसी हाफ कप तक चाहिए, तो मैं हाफ कप ऐड करूंगा पानी, और उसके बाद इसको दोबारा ढक के मैं थोड़ी देर कुक करूंगा, और उसके बाद आपका सूप ये रेडी हो जाएगा। अब आप देखिए इसको मैंने कवर कर दिया। अच्छा जी, ये देखिए हमारी कंसिस्टेंसी, ये देखें जो स्टीम निकल रही है, बहुत ही बेहतरीन कंसिस्टेंसी देखें आप सूप की आ गई है। मैं बिल्कुल इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देखिए करीब से कि इतना थिक जो है ये सूप होना चाहिए। ठीक है, आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये हमने सिर्फ 5 मिनट बनाया है, यानी कि ब्लेंड करने के बाद जब मैंने आपको दिखाया तो मीडियम फ्लेम पर सिर्फ 5 मिनट इसको पकाया है। उसका मतलब सिर्फ यही होता है कि इसको सिर्फ गर्म करके और इसमें जो पानी है वो अच्छी तरह मिक्स कर लें, नमक मिर्च चेक कर लें, उसके बाद आपका सूप बिल्कुल तैयार है। अब आपको इसमें तड़का देना है, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो दें चाहे तो ना दें, लेकिन देने से अच्छी इसमें और खुशबू आएगी। तड़के के लिए आपको बता दूँ मैं कि 1 टेबल स्पून आपको ये ऑलिव ऑयल लेना है, 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल ले लीजिए, और इसमें आप 1/4 टी स्पून जो है वो आप पेपरिका या कश्मीरी मिर्च वो आप डाल दीजिए, और उसको आपने गरम करके इसमें तड़का लगाना है इसको। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि मैंने ब्लेंड करने के बाद ये 5 मिनट जो है तकरीबन बना रखा था पानी डालने के बाद कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए, और उसके बाद ये 5 मिनट में तैयार हो गया है बिल्कुल, तो इसलिए आप ज़्यादा नहीं पकाइएगा उस वक्त। उसका मकसद सिर्फ यही होता है कि आप जो है उसमें नमक मिर्चें चेक कर सकें और पानी को अच्छी तरह कंसिस्टेंट जो है वो बना सकें, इसका डेंस कर सकें, उसके बाद ये चीज़ रेडी हो जाती है। तड़का आपका ऑप्शन है, आप इसको अब हम दिखाते हैं कैसे सर्व करते हैं, और आपको बताएंगे कि कितना टेस्टी बना है हमने। जैसा कि मैंने टेस्ट करके दिखाया कि ये सूप बहुत ही ज़्यादा यमी बना है, तो इस यमी सूप को आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैंने तो आप लोगों को पूरा ये प्रिपरेशन इसकी दिखा दी, इसके इंग्रेडिएंट्स भी दिखा दिए, इसकी ड्रेसिंग भी दिखा दी, तो अब आप लोगों की बारी है इसको ट्राई करने की। और एक बार फिर जाते जाते मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस, शेयर माय वीडियोस, और अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा। ठीक है,
और अब चलता हूँ, इजाज़त दीजिए मुझे, खुश रहें, हेल्दी रहें, फी अमान अल्लाह।